जब आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, और वहां से जब आप अपने घर आते हो तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसा किस कारणों से होता है, क्या कारण है, क्या नहीं? आपके साथ देवी देवता चल रहे जब भी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, अगर आपके साथ कोई नेगेटिव पावर है जब भी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा क्यों है, क्या नहीं, आज इन सभी कारणों का आपके सामने खुलासा करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपका प्यारा विकास दहिया दिल्ली दरबार से। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना, क्योंकि अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके, जो भाई रोड पे सोते हैं उन्हें खाने से लेकर पीने तक का हर तरह का इंतजाम हम कर सके। और साथ में अगर बेल आइकन को आप प्रेस करते हो तो जब जब हम लाइव आते हैं तो लाइव में हमसे जुड़ के आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हो। किसी प्रकार की दिक्कत क्यों ना हो, भूत प्रेत जिन मसान आदि काम बंधन कार्य बंधन कोई भी बंधन क्यों ना हो, आप हर तरह की हमसे समस्या का समाधान हमसे लाइव में ले सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर दोनों तरफ स्क्रीन पे दे रखा, आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करना। लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरबार विकास भगत दादा चाहवे तेरा प्यार हो, दुनिया में ठोकर खाली दादा तेरे। पहले तो हम बात करते हैं उन भाई और बहनों की जिनके साथ देवी देवता चल रहे हैं और वो किसी के घर में जाते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है या फिर उल्टी आने का मन होता है, सारी उनको घबराहट होने लग जाती है, ऐसा जी करते हैं ऐसे निकल लूं, और उनको डर ऐसा महसूस होने लग जाता है, एक ऐसी माहौल वहां पे क्रिएट हो जाता है कि आप वहां पे से निकलने के लिए मजबूर हो जाते हो, आपका मन नहीं लगता, ऐसा क्या कारण है क्या नहीं? तो ये भाई हमारे साथ दो वजह से होता है। जब आपके साथ देवी देवता चल रहे होते हैं, आपके ऊपर गुरु का भी हाथ है, सारी चीजों का हाथ है, और फिर भी आपके साथ ये परेशानी हो रही है तो क्यों हो रही है भाई? सबसे पहला रीजन है आपके साथ शक्ति चली, शक्ति चलती आपने गुरु का हाथ रखवा लिया, गुरु का हाथ आपने रखवा लिया, पर जो शक्ति को नियंत्रित करते हैं, जो आपकी सिद्धि आपने सिद्धियां नहीं की, एक गुरु मंत्र से आप ये मान लो कि आप सिद्ध हो चुके हो या एक सिद्ध आप पुरुष बन सकते हो, सिद्ध नारी आप बन चुके हो या आपके साथ देवी देवता हरदम चलते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो हम हमारे साथ देवी देवता चलते हैं, देवी देवता जब सवारी के रूप में आते हैं वो हमारा होता है शरीर का पहला स्टेप। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है भाई जी आपको सिद्धियों में आगे से आगे सिद्धियां प्राप्त करके और अपने जीवन को और इतना मजबूत करना कि किसी भी तरह की दिक्कत क्यों ना आ जाए, भूत प्रेत जिन मसान आदि कोई भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, आप उनको हैंडल कर सको। वो सारी चीजें होती क्या है, वो होती सारी चीजें हमारी सिद्धियों के ऊपर डिपेंड। जिस तरह की हम सिद्धि करते हैं, हमने मान के चलिए हमने शमशान काली की सिद्धि कर रखी है, हमने चौक चुराए वाली माता की सिद्धि कर रखी है, शक्तियां तो मिल गई आपको चौक चुराए वाली माता की और मां शमशान काली की सिद्धि तो मिल गई, आपको सवारी आने लगी, पर उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है उनको जागृत करने का, उनकी सिद्धियों को उनके साथ और शक्तियां जो चलती है उनको जागृत करने का हमारे स्टेप आता है। तो वो चीज किसी ने आपको ना तो बताई, ना आपको समझाई, ना गुरु ने खाली गुरु मंत्र दे दिया ना आपको बता दिया बस आप चौकी लगा लो। वहीं पे लोग बाग मार खा जाते हैं और वो क्या करते हैं कि किसी के घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारी में गया कहीं भी चले गए, उनके साथ क्या होता है, सामने वाले घर में कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है, वो खून पे कर रखी है, दारू पे कर रखी है, कुछ खिला के कर रखी है या कोई मांस के टुकड़ों पे कर रखी है, कुछ ऐसी चीजें पर उन्होंने क्रिया कर रखी है उसके घर में कि वो शमशान क्रिया है। आप उसके घर में जाते हो तो उस घर में क्या होगा, आपके जाति आपके पेट में ऑटोमेटिक दर्द होने लग जाएगा, आपका माथे का जो खिंचाव वो बढ़ने लग जाएगा। जब शक्तियां चलती है, जब बता रहा हूं मैं, आपके माथे का खिंचाव बढ़ने लग जाएगा, सर में दर्द, आपको पेट में दर्द ऐसा होने लग जाएगा, आपका उबासी ऐसे लगेगा जैसे आपको उल्टी आ रही हो। वो होता है कि वो एक शक्ति का पहचान होती है, वो बता रही है कि इस घर में जो तांत्रिक क्रिया कर रखी है वो एक तरीके से बहुत हैवी क्रिया कर रखी है, जो भाई पूरे बंधन से हर चीज से उतारे से होगा। हाँ, उसका अपोजिट होता आपके साथ जब आप सिद्धियां कर देते हो, अपने खाली बात शमशान काली की सिद्धि की, शमशान काली की माँ के साथ साथ आपने उनकी और शक्तियों को जागृत करने के लिए जैसे 64 योगिनियां हो गई, उनके 52 वीर हो गए, 56 भैरव हो गए या भाई कलवे हो गए, इस तरह की आपको शक्तियां जो है जागृत करनी होती है, वो होती है सिद्धियों से। पूरे शमशान को जगा के अपने साथ चलना, आपको साथ चलना होता है, तो वो सारी सिद्धियों के ऊपर डिपेंड होता है। वो जैसे तरह की आप सिद्धि करते चले जाते हो, सिद्धि अलग अलग तरह की होती है, कोई 41 दिन की होती है, कोई खड़ी होती है, कोई एक पैर पे होती है, कोई शमशान जागृत करके होती है, 41 शमशानों से होती है, अलग अलग तरीके से आपके होते हैं, कुछ चुराए से होती है, जैसे 5 चुराए अलग अलग चुराए हो गए, हर तरह की सिद्धि अलग होती है, हर तरह की सिद्धियों में अलग अलग सामान चलता है, अलग अलग मंत्र चलते हैं, अलग अलग जाप चलता है, अलग अलग परीक्षाएं चलती है, वो सारी चीज डिपेंड करती है आपकी सिद्धियों पर, किस तरह की आपने सिद्धि करके किस तरीके की नहीं। एक शक्ति जागृत करना और उनके साथ सिद्धियों को प्राप्त करना, उन दोनों में डिफरेंट। कई बार क्या होता है, माता रानी जब आप पे खुश हो जाती है तो वो आप पे सिद्धियां कराती नहीं है, वो आपको अपना पूरा संपूर्ण आशीर्वाद आपको दे देती है कि आपके ऊपर मेरा संपूर्ण आशीर्वाद है। वो होता है आपके भाव से, आपके विश्वास से, आप कितना मानते हो मां को कितना नहीं, वो होता है आपकी हर चीज उस पर डिपेंड करके। कई बार क्या होता है, हमारे से भाई है, अब हम कह देते हैं कि मां तो कई कहते थे कि मां तो भूखी भूखी है, भूखा भूखा किसने बनाया भाई ये बता दो,
भूखा भूखा माँ को किसने बनाया है, माँ को कोई कार्य नहीं होता तो आप भोग दे देते हो। अच्छा एक बात बताओ, एक केस आया था वो करीमा तो भोग का भूखे मेरा साथ नहीं देते, दूसरा भोग दे देता तो उसका साथ देने लग जाती है। भोका भूखा मनाने वाली भी तो आप ही हैं। माँ जब आपसे पास आई थी, माँ ने तो कोई भोग नहीं मांगा था या कुछ नहीं मांगा था, माँ को तो आप सिंपल जो आपके घर में रोटी बन रही है उसी में खुश थी, माँ जो आप दे रहे थे उसी में माँ भोग स्वीकार कर रही थी। फिर आपका कोई काम हल्का सा टकने लग गया तो आपने माँ पे यकीन नहीं किया, माँ को भोग दे दिया भाई, खून दे दिया, मुर्गा दे दिया, सारी चीज कह दी। सात्विक शक्तियों में थोड़े काम को अच्छा करने के लिए समय लगता है, मेरी बात समझना, समय लगता है पर वो काम पूरी तरीके से होता है, एक मजबूत होता है, उसकी नींव मजबूत होती है। पर जब वही काम आप खून या बलि देके या दारू देके कुछ ऐसी चीज देके कराते हो, काम फट देसी में हो जाता है पर उसकी नींव कभी भी मजबूत नहीं होती। ये बात सुन लेना, वो चीज दोबारा आपके साथ हो सकती है। ये चीज में मैंने इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, सात्विक शक्तियां जब आपके साथ चलती है वो कार्य को सुधारती है, तो जड़ से सुधारती है, बिल्कुल अंत से उनको निचोड़ करके वो उनको आपकी लाइफ को सुधारती है, हर चीज का निचोड़ करे। पर तामसिक शक्तियां जो आपके ऊपरले बांधा चल रही ना उसको काटती है, जैसे आप उस बांधा को निकल जाते हो, आप कहते हो भाई मेरा तो कार्य हो गया। तो दोनों शक्तियों में फर्क है, एक तो निचोड़ करके सात्विक शक्तियां कार्य करती है, तामसिक शक्तियां ऊपर की बांधक होता है। अब ये शरीर है, सारी चीज है, अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ, सारी चीज कर रहा हूँ। अब मेरे बाहरले मन में क्या है और अंदरले मन में क्या है वो आप भी नहीं जानते होंगे, पर जो सात्विक शक्तियां होती है, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, सारी चीज हो रहा है, तो सात्विक शक्तियां पहले मेरे उस गलत का बिल्कुल एंड पॉइंट तक जाएगी, किस रीजन से गलत हुआ, किस चीज से नहीं, उसका निचोड़ करते 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 आपकी लाइफ को सेटल करेगी, आपकी लाइफ को ठीक करेगी। पर इसके बीच में अगर कोई तामसिक भोग देके और सारी चीज कर देता है तो माता रानी कैसे कार्य करेगी, माता रानी करेगी ऊपर से ही कार्य, जिस चीज से मैं परेशान चला उस चीज को हटा देगी, अगली चीज को हटाने के लिए जो मेरी जड़ से प्रॉब्लम थी उसके लिए फिर मुझे भोग देना पड़ेगा, सारी चीज देनी पड़ेगी। तो ऐसा कार्य ना करो कि तामसिक भोग पे आप चला रहे हो, सात्विक तरीके से आप चलाओ। अब आ जाती है बात दूसरी कि हम पड़ोसी के जाते हैं, किसी घर जाते हैं तो वहां जाकर मेरे को बेचैनी होने लग जाती है, मेरा भागने का मन करता है या उल्टी रहने का मन करता है, सारी चीज करता है, तो उस समय हो जाता है भाई उल्टा मन, उल्टा दूसरा वो चीज, उस समय क्या हो जाता है आपका लड़ाई झगड़े का मन करता है, आप किसी भी करके वहां से यहां से निकलो निकलो निकलो, एक तरह की लड़ाई हो जाती है। मैं अभी मैं साथ में जा रखे तो उनमें भी लड़ाई हो जाएगी, यहां से निकलना, सारी चीज करना है। तो उस समय में आपको ये जान लीजिए, जिस घर में आप गए थे उस घर में भाई कोई ना कोई शक्ति चल रही है, उनके पितरों की क्यों ना हो, किसी देवी देवता की क्यों ना हो, और वहां जाते आपको बेचैनी बन गई और आपको वहां से निकलने का मन हो रहा है कि यहाँ पे मैं नहीं रुक सकता या नहीं वो कर सकता, आपके साथ कोई नेगेटिव पावर हो सकती है उस समय जब आपकी लड़ाई झगड़े बढ़ जाए। सात्विक शक्तियों की आप पे जोर होगी, आपको उल्टी आने का मन होगा, सारी चीजों का अपने मन को जो है वो शांत रखेगी, आपको एक चीज करेगी वो आपकी सिद्धियां प्राप्त नहीं थी। तो इन दोनों चीजों में ये फर्क, अगर मियां बीवी में लड़ाई हो रही है, सारी चीज का हो रहा है कि बस यहां से निकल लो मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे, सारी चीज नहीं, तमाशे पे तमाशा क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बस ये मन कर रहा है कि निकल लो यहाँ से, तो आपके साथ कोई नेगेटिव पावर है और सामने वाले घर में कोई नेगेटिव पावर नहीं है, वहां पे कोई सात्विक चीज उनके साथ चल रही है, अच्छी चीज उनके साथ चल रही है, जिस कारण आपके ऊपर कोई पावर है जो नेगेटिव ऊर्जा उसको खिंचाव हो रहा, उसको तकलीफ हो रही है उस घर में जाते ही, और वो कह रही है कि यहां से निकालो, वो लड़ाई झगड़ा करा हुआ के निकाले, सामने वाले से लड़ाई कराए, जिस घर में आप जा रहे हो उनसे लड़ाई कराए, किसी ना किसी लड़ाई करा के आप वहां से निकल देते हो। पर शक्तियां जब साथ चलती है, आप किसी के घर में जा रखे हो और आपने सिद्धियां प्राप्त नहीं कर रखी, जब आपने सिद्धियां प्राप्त नहीं कर रखी तो वहां पे आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, खिंचाव हो सकता है, हाथ पैरों में कंपन जोर आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आने का मन हो सकता है, उस चीज से आप समझ सकते हो कि उस सामने वाले के घर में किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है, और इतनी हैवी तांत्रिक क्रिया की आपके ऊपर है, वो हैवी होने की कोशिश कर रही है। पर जिस समय आप अपने देवी देवता को याद कर ले तो आप ठीक हो जाते हो। आप गलती क्या करते हो, आपका उल्टी का मन हो रहा है, सारी चीजों का मन हो रहा है, सारी घबराहट हो रही है, उस समय अगर आप अपने देवी देवता को अच्छी तरीके से अच्छे रूप से याद कर लोगे ना तो उसी समय आप ठीक हो जाओगे वहां पे, और जो चीज आप पे हैवी होने की कोशिश करी तो पीछे हट जाती है, पर वहां से आपको तकलीफ होने लग जाती है, आप याद करते नहीं हो। नए नए जो भगत हो रहे हैं, नए नए जो बने हैं अभी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या किसी ने गुरु मंत्र नहीं ले रखा है, किसी ने कुछ नहीं हो रहा, उन बंदों के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है जिनके साथ गुरु मंत्र नहीं है, गुरु मंत्र होने के बाद कुछ प्रकार की सिद्धियां नहीं है। तो ये सारे रीजन होते हैं भाई जी उसका, आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है और समझाई है आपको पसंद आई होगी। मैं आपका प्यारा विकास दिया दिल्ली दरबार से, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान जरूर ले सके। अपनी कुल देवी कुल देवता की पूजा हरदम किया करो भाई जी, पितर को बिल्कुल नहीं भूलना, इस देव आपका हरदम साथ देती है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।